यूपी की नोएडा सिटी अब बहुत जल्द ही प्रदूषण मुक्त होने वाली है। जी हाँ, इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा वासियों को दूषित हवा से राहत देने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। आपको बता दें, इसे डीएनजी फ्लाईओवर पर लगाया गया है। ये टावर आज से काम करना शुरू कर देगा। इस टावर का शुभारंभ आज सुबह 11 बजे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह और नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी की मौजूदगी में किया जाएगा। ये टावर करीब 30 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में करीब 18,50,000 रुपए भी खर्च हुए हैं। इस टावर में 10,000 फिल्टर और 40 बड़े पंखे लगाए गए हैं जो दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि इस टावर के चालू होने से 90 वर्ग मीटर के दायरे में दूषित हवा शुद्ध हो सकेगी। इस टावर से सबसे ज्यादा फायदा नोएडा के सेक्टर 14, 15 और फिल्म सिटी में रहने वाले लोगों को मिलेगा। अथॉरिटी का मानना है कि अगर इस टावर के लगने से दूषित हवा शुद्ध होने लगी तो ऐसे टावर शहर के दूसरे इलाकों में भी लगाए जाएंगे ताकि नोएडा वासियों को दूषित हवा से निजात मिल सके। साथ ही आपको ये भी बता दें कि टावर आज से पूरी तरह काम करना शुरू कर देगा, जिसके बाद पता चल सकेगा कि आखिरकार इस टावर के जरिए कितने वर्ग मीटर की दूषित हवा शुद्ध हो रही है। अगर इस टावर का रिजल्ट बढ़िया रहा तो आने वाले वक्त में प्राधिकरण इन इलाकों में भी इस टावर को लगा सकता है जो काफी ज्यादा दूषित रहते हैं। तो ऐसे में नोएडा में आज से ये स्मॉग टावर की शुरुआत होने जा रही है और नोएडा वासियों को अच्छी हवा मिलने वाली है।